को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इसने मुख्तसर शॉपिंग से इक्तफा कर लिया। ला मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे कर, किसी चीज की कमी महसूस ना हो। आमीन। आप लोग बैठ के बातें करें, मैंने खाना चढ़ा दिया है, अपने रूम से आती हूँ। ओके। रूफी बेटा, मुझे तो इस बात की फिक्र लगी हुई है कि कहीं वो लोग इस गलत फहमी में ना हो कि हम उनकी फरमाइश के मुताबिक सब कुछ दे रहे हैं। मैं फाइज और मैं नासिर के घर जाके बात कर रहे हैं, अपने घर वालों की जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। मुझे तुम्हें पूरा यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। नासिर बहुत समझदार लड़का है, मेरे ख्याल में तो उसने दुर्दाना और शगुफ्ता से बात की होगी। नासिर से बहुत ज्यादा समझदार और बाशऊर हरीम है। बहुत फख्र है मुझे अपनी बहन पर कि उसने हमें जेर बार करने के बजाय इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाया है। और नासिर जितना भी समझदार क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन हमारी हरीम के लिए आसान साबित होंगे। और दुर्दाना आंटी ने मुझे बहुत मायूस किया है। मेरी बेटी बहुत हौसलामंद है और उसका हौसला दरियाओं की तरह है जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बहुत समझदार है मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत अकलमंद है। कुलसुम जी। बीबी जी, क्या बात है? उस साहब जी से पूछने जा रही थी कि खाना कमरे में लगा दूं। तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ, जाओ। बुखार नहीं उतरा अभी तक मेरे बेटे का? इस आतिश फिशां को सर्द होने के लिए कितना वक्त चाहिए? ऐसा ना हो कि इसका लावा घर को जलाकर खाक कर दे। फिक्र ना करें डियर मम्मी, आज मेरे पास शर्मिंदगी और नदामत की राख के अंदर धंसने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आज मुझे समझ आ गया, एग्जैक्टली समझ आ गया है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। इसी बात का तो अफसोस है कि ना तुमने अपनी हैसियत को समझा है ना माँ बाप के मर्तबे को। ये जो तुम चैरिटी के नाम पर दोस्तियां निभाते रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर धूल तो ना चाटते। अगर अपनी हैसियत को समझा होता तो आज बाप के दफ्तर से यूं बेइज्जत होकर ना निकाले जाते। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं अपने बाप के दफ्तर से जलील होकर निकाला गया। दुख मुझे इस बात का है कि अपने आप को इस माशरे में बाइज्जत कहलाने वाले लोग, करीम कहलाने वाले लोग, वो असल में कितने छोटे और बेवकत हैं। गरीब को हकीर कहकर भी उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं। क्या ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत कहने से शर्म नहीं आनी चाहिए? बकवास बंद करो।
अरे ठहरो, कितने बाहर लाया हो? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शिद्दत से दर्द उठाया था फिक। मैं रूफी को और हरीम को बुलाता हूँ। रुक जाए, रुक जाए। हरीम और रूफी को बिल्कुल भी एहसास ना होने दे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे तकलीफ है। शादी सर पर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी मेरी बेटी की खुशियों के आड़े आए हैं, तखीर का बायस बन चंद दिन खैरियत से गुजर जाए, बाद में देखी जाएगी। कितना दुख झेले तुमने मेरी कमाई की कहा था, सारी जिंदगी खुश भी ना कर सका तुम्हारे लिए। आपसे मुझे फर्मा बदार औलाद मिली और क्या चाहिए एक औरत, दौलत और सेहत तो नसीब की बात है। मेरे नसीब में कम लिखी गई राजी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम दोनों मिलके अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे, फिक्र मत करो। मुझे फायज पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जवान खून है, नादानी में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। वो तो अच्छा हुआ कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त से सह गया, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे भी जरा नरमी से काम लेना होगा, ऐसा ना हो इतनी सख्ती से मामला हाथ से निकल जाए।